देश में जहां कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो वहीं राजगढ़ में भी रोज एक न एक मामले सामने आ रहे हैं। जिले में अभी तक 49 पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हो चुकी है। वहीं लोगों को इसमें सावधान व सतर्क रहने के लिए यातायात पुलिस द्वारा बिना मास्क पहने आवाजाही करने वाले लोगों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। ऐसा ही मामला राजगढ़ से सामने आया, जहां मोतीपुरा गांव के ईश्वर सिंह खिलचीपुर नाके से ब्यावरा नाके की तरफ जा रहा था। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस मास्क न पहनने वाले लोगों पर चालानी कार्यवाही के लिए खड़ी थी। ईश्वर सिंह के मुताबिक उनके पास मास्क था, लेकिन मुंह से नीचे लटका होने के कारण उनकी गाड़ी रुकवा कर ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी से चाबी निकाल ली। जब ईश्वर ने इसका विरोध किया तो विवाद जैसी स्थिति निर्मित हो गई। चालानी बताया जा रहा है कि ईश्वर सिंह मास्क तो पहने हुए थे, लेकिन मुंह से नीचे हटा हुआ था। वहीं ईश्वर सिंह के द्वारा अन्य गाड़ियों में भी लोग मास्क न पहने हुए आ जा रहे थे, उनके बारे में बताया तो दोनों में विवाद हो गया, जहां ईश्वर सिंह और एक अन्य लक्ष्मण सिंह को ट्रैफिक पुलिस के 4-5 कर्मचारियों ने पिटाई कर दी, जिससे दोनों व्यक्तियों को जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया। वहां से लक्ष्मण सिंह को भोपाल रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक जब ईश्वर सिंह की पिटाई का मामला भाजपा पदाधिकारियों तक पहुंचा, तो वहां कार्यकर्ताओं के साथ 2 दर्जन से अधिक की संख्या में जिला चिकित्सालय पहुंचे और मामले से पुलिस अधीक्षक को भी अवगत कराया गया, जहां पुलिस अधीक्षक स्वयं अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती ईश्वर सिंह का हाल जाना। आपको बता दें कि जिले में अभी तक कोरोना पॉजिटिव के 49 मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं लोग इस संक्रमण से बचने के लिए कई गंभीर नहीं देखे जा रहे। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस का लोगों को जागरूक व चालानी कार्यवाही करना भी आवश्यक है, लेकिन बावजूद इसके लोग इसमें गंभीर नहीं देखे जा रहे हैं। उक्त घटना की जांच अब राजगढ़ SGOP सुश्री मंजू चौहान करेंगी। आपको बता दें कि CCTV फुटेज सहित अन्य आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है, जिसमें जो भी दोषी होंगे उन पर कार्यवाही करने की बात सामने आई है। राजगढ़ SGOP को यह जांच सौंपी गई है। इनका कहना है कि हमने मामले को गंभीरता से लिया है, वीडियो फुटेज भी देखे जा रहे हैं। वहीं मामले की जांच राजगढ़ SGOP को सौंपी गई है, सख्त कार्यवाही की जाएगी। और क्या हुआ है थोड़ा बताओ, बोलते जाओ, नाम बोलो। अरे वो ये मास्क लगा रखा था, उनने बोला कि मैं तेरे मास्क से निकाल रखा, मैंने की सब लगा रखा, ये ट्रैफिक पुलिस वाले ने। हाँ। और मैंने बोला मैंने की सर अभी मैंने अगले महीने करवाई थी, मैंने की मैं राजगढ़ में घूमता हूँ 24 घंटे रहता हूँ, तो मैंने की रसीद काहे की कटवाऊँ मैं। इतने में उनने गुस्सा मारने लग गया, फिर उधर उनके ऑफिस में ले जाके बहुत ज़बरदस्ती मारा, और वो जो मैंने फ़ोन लगा के बुलाया उनको और ज़्यादा मारा। अच्छा, वो गाड़ी छुड़ाने के लिए आए थे नहीं, उनको तो भोपाल ने मास्क लगाया था उस समय। हाँ, ये लगा था नहीं, यही मेरे 24 घंटे रखता हूँ। और एक और कौन थे आपके, कोई साथी थे कहाँ, कोई भोपाल रेफर किए गए सब? हाँ। कौन थे वो? यही के थे, राजगढ़ के। उनका क्या नाम है? लक्ष्मण सिंह। और आपका? ईश्वर। कहाँ से? सरेड़ी गांव से ना? मैं सरेड़ी से हूँ, राजगढ़ के। ये कॉलोनी। आपकी पिटाई किसने की? दोनों की, उनने की, ट्रैफिक पुलिस वाले। नाम है याद आपको? नाम नहीं याद है, सकल याद है उनकी, सब का लक्ष्मण सिंह। अच्छा, तो आपको मास्क के ये रसीद को लेके विवाद हुआ और आपकी पिटाई हुई है ना? हाँ, हमने नहीं किया विवाद, मन की सर हमने रसीद नहीं कटो, मन की सर हमारे पास, मन की हमने कोई गुनाह ही नहीं किया, तो हम रसीद कहाँ 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 पिटा आपको? ये एक तो हाथ तोड़ दिया। हाँ, एक हाथ जोड़ लिया और यहाँ भी सर दर्द कर लिया। और किस किस से मारा आपको? डंडे से, और वो जूते पहन रखे थे, जूते से मारा। तो अभी ये इतने भाजपा के पदाधिकारी आए हैं, अभी कई भाजपा कार्यकर्ता है? हाँ जी, भाजपा कार्यकर्ता।